नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज चैनल। मैं पंकज मरकन अभी बात करते हैं यहाँ पे चुनावी मुद्दा पे, और यहाँ पे आपको मिलवाते हैं ऐसे शख्सियत से जो आपका जैसे लालू यादव हो या नाना पाटेकर जो भी हो भी फिल्म दुनिया में, आपको उससे मिलवाते हैं। सेम टू सेम जो भी होता है वो आवाज़ आपको निकालने का कोशिश करेंगे वो। आप पहले इनसे हम परिचय लेते हैं, क्या इनका नाम है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार राय, पिता श्री दशरथ राय, ग्राम मनवारा, पोस्ट इलमास नगर, थाना खानपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार का निवासी हूँ। और इस बार आप जो है इलेक्शन में किसको समर्थन कर रहे हैं? इस बार हम RJD को समर्थन कर रहे हैं, लालू जी को, RJD को, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। तो क्या आप लालू जी के अंदाज में कुछ बोल सकते हैं? जी, क्यों नहीं बोल सकते हैं, बोलिए। पहले चुनावी मुद्दा पूछिए। इस बार जो विधानसभा का जो इलेक्शन हो रहा है वारिसनगर में, किस मुद्दे पे आप लोग जो है RJD का नेता जी यहाँ पुत्र है, किस मुद्दे पे आप बोलना चाहेंगे इस मैटर पे? ये देखिए, ये जो नीतीश जो है झूठे कहते हैं बेरोजगार हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, और देखिए इनसे 2014 का BSSC अभी तक क्लियर नहीं हुआ, 2020 हो गया, ये बेरोजगारी का खाक मिटाएंगे, कुछ नहीं होने वाला इनसे। और देखिए कहते हैं हम शराब बंदी करेंगे, शराब बंद है, पूरा बिहार जानता है कि शराब जो है पूरा होम डिलीवरी होता है घर में। अब बात करते हैं शराब बंद है, ये गरीब का जनता, गरीब जनता सब जो है शराब पीता है बेचारा, चुरा लुका कर तो पुलिस वाला ले जाता है, उसको मार मार के ठीक कर देता है, पैसा पे मतलब कर लेता है, 40,000-50,000। अब बताइए तो वहाँ ऐश कर रहा है नीतीश जी। अगर आपकी अगर सरकार आते हैं इस विधानसभा चुनाव में तो आप लोग क्या करेंगे? हमारा अगर सरकार आता है तो हम सबसे पहले युवाओं को रोजगार देंगे, और ये रहा ये शराब बंद होगा तो पूर्ण रूप में बंद करेंगे, नहीं तो खोलेंगे तो पूर्ण रूप में चालू कर देंगे। तो यहाँ पे वारिसनगर विधानसभा में क्या लगता है किसकी मतलब यहाँ पे सीट जो है सब फाइनल होने वाली है? इस बार देखिए, इस बार पूरा मन बना लिया है जनता लोग कि 3 तारा को वोट देंगे, यहाँ माले उनका गठबंधन में है RJD के, इसलिए RJD का सरकार बनेगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, आपके कहने का मतलब है कि तेजस्वी जी बनेंगे, लेकिन हम जानते हैं अगले से इनका क्या कहने का मतलब है, आप बताइए कि बिहार में कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। जो स्थिति है नीतीश जी के 15 साल के राज में, भी लोगों को कहे रोजगार देंगे, बेरोजगार है लोग, रोजगार नहीं मिल रहा है। और कहिएगा नल जल का स्थिति बेहतर खराब है, कहीं पानी निकलता है तो कहीं पैप फटा हुआ है, इसमें पूरा लूट खसोट हुआ है नल जल में। 7 निश्चय के योजना के अंतर्गत आप क्या कहना चाहते हैं, ये सफल हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, पूर्ण रूप में गर्त में मिला दिया 7 निश्चय योजना, इसमें तो किसी को लाभ नहीं हुआ, विद्यार्थी लोग तो चक्कर काट काट के 6 महीना में 1 रुपया नहीं मिला उसको, ये क्या बोलेंगे। ये नल जल योजना दिया, देखिए हर एक जगह वार्ड मेंबर से लेकर मुखिया BDO तक सब खा पी के लूट मूट कर चला गया। बात करते हैं, ये नीतीश जो है ना गरीब जनता के लिए नहीं है, ये मोदी सरकार, ये नीतीश जो है ये पूरा उद्योगपति के लिए है, ये गरीब आदमी के लिए नहीं है। अभी जो है सो चिराग पासवान निकाले कि फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो भी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनके बारे में हम नहीं कहेंगे कुछ, लेकिन वो जो भी बोलते हैं, लेकिन नीतीश जी से बेहतर है। क्या लग रहा है कि अगर कल के डेट में अगर चिराग पासवान का अच्छा सीट आते हैं तो क्या लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि महागठबंधन छोड़कर BJP में शामिल हो जाएंगे? देखिए, ये उनका मुद्दा है, वो क्या करते हैं, अगर उनको सीट ज्यादा आता है तो उनका मतलब उनको जिस पार्टी में जाना चाहेंगे वो स्वतंत्र है। आप लोग इस पे क्या राय देंगे, अगर मान लीजिए कल के डेट में आप जिसको ये कर रहे हैं, कल के डेट में अगर वहाँ पे महागठबंधन में अगर नहीं आ रहे हैं, अगर दूसरे अपना तीसरा अगर गठबंधन मतलब ये कर रहे हैं, तो उस पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो कहेंगे अगर महागठबंधन में जिनको भी आना है उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, कोई भी आदमी का आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये नीतीश बाबू जो है ये डबल इंजन की सरकार है, समझे, इसमें पूरी तरह से फेल है डबल इंजन की सरकार। शिक्षा पे जो आप ये काम किए हैं नीतीश जी, उस पर क्या कहना चाहते हैं, जो शिक्षा में है चाहे बेरोजगार पे कोई भी मुद्दा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी तो चरम सीमा पर पहुंचा दिया है मोदी जी, नीतीश जी पूरा भारत में जानता है कि मोदी जी बेरोजगारी को पूरा चरम सीमा पर पहुंचा दिया है, नीतीश भी। अरे 2014 के BSSC अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, सर जी क्या बात करते हैं। ठीक है, और बाद में की जो नल जल का योजना है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, इसमें 7 निश्चय योजना का आता है, उसमें से आप क्या कहना चाहते हैं, इसमें इनका कोई भी अगर ऐसा योजना हो जो आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा ये कंप्लीट हो चुका है? नहीं, एक भी इसमें
कंप्लीट नहीं हुआ है। नल जल देख लीजिए, इसमें वार्ड मेंबर से लेकर के और जितना नेता सब है, मुखिया सब है, वीडियो सब है, सब मिल बांट के खा गया, घूस खा गया है और एक भी सफल नहीं है। देखिए गांव घर में जाकर के हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, कभी उधर पाप फूटता है तो कभी उधर पाप फूटता है, दिल्ली जाके कसते हैं तो कहते हैं होगा। नहीं तो बहुत सारा जगह पे हम भी गए हैं कि जैसे कि 10 वार्ड पड़ता है, उसमें से 5 या 6 कंप्लीट मिला है, बाद में उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए यहाँ सब पैसा मार के वो लोग अप कर दिया है, समझे, वो झूठे के केंद्र सरकार फंड में देता है, यहाँ से लेकर के नीचे से लेकर ऊपर तक सब खाता पीता है, ऐश करता है। इन लोग का काम है खाओ पेश करो, संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। आपको क्या लगा है अगर चिराग पासवान का सीट अगर अच्छा आता है तो आपके जो RJD है उनके साथ ये सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? अगर उनकी इच्छा होगी कि हमारे RJD में गठबंधन करना तो हम उनका स्वागत करते हैं, इसके लिए कोई रोक छोक नहीं है। चलिए आप अगर स्वागत करना चाहते हैं, अगर इनको अगर मान लीजिए अगर जाना है अगर BJP में, तो आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? नहीं वो BJP में अगर जाना चाहते हैं तो अब उनकी मर्जी है, ये तो हमारे बस की बात है नहीं, जबरदस्ती घीच के ले जाएंगे हमें अपना सीट पर बैठा देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका JDU के साथ नहीं होना चाहिए? हाँ JDU के साथ नहीं होना चाहिए, इस बार तो निश्चित रूप से सरकार बदलेगी। और आपके यहाँ पे युवा की अगर बात किया जाए तो युवा में कितना आपको समर्थन यहाँ पे जो है मिल रहा है रोजगार के लेके, आप थोड़ा बताइए। युवा जो है 100% समर्थन दे रही है इस बार RJD को, 10 लाख बेरोजगारों का रोजगार जो है से देंगे नीतीश तेजस्वी जी, इसलिए जो है से युवाओं सब जो है से तेजस्वी जी के साथ है। अभी जो है जूट मिल की जहाँ तक की बात है, जूट मिल पे जो है सो आपका प्रिंस राज जी जो है सो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे किए हैं, अभी महेश्वर हजारी 2-3 महीना पहले जो है सो उद्घाटन किए हैं, इस पे आप किसको श्रेय दे रहे हैं, प्रिंस राज हैं या आपका महेश्वर हजारी है? प्रिंस राज, ये देखिए इस प्रिंस राज जी का श्रेय जाता है कि ये जो भी किए हैं प्रिंस राज जी के द्वारा हुआ है। देखिए प्रिंस राज जी के द्वारा होता है, आपको क्या इनसे अपेक्षा है कि आगे चल के ये काम करेंगे वारिसनगर विधानसभा में या अपने संसद ही क्षेत्र में काम करेंगे? देखिए अपेक्षा तो किसी से किया जा नहीं सकता है, जब तक काम किया नहीं तब तक कैसे अपेक्षा कर ले, काम करेंगे तो अच्छा है, गद्दी पर अगर हम भी काम करते हैं तो हमको गद्दी पर बैठाइए, सीट दीजिए नहीं तो न मत दीजिए। वैसे अगर बात किया जाए तो जो है सो ये चिराग पासवान जी हो चाहे जो है सो आपको ये क्या कहते हैं रामविलास पासवान जी हो, आपको पता ही होगा क्या यहाँ पे है।